एक बार जब एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और पुलिस व उसका मालिक उसको छुड़ाने के लिए आता है, तभी कंकाल उन्हें मार डालता है। बड़े आए हेलीकॉप्टर को कंकाल से छुड़ाने के लिए। क्या देखो, मरे पड़े हैं इन लोग। अब मैं इनकी हड्डियां अपने हड्डियों में लगाऊंगा और इन्हें काट काट के कुतुर कुतुर के फेंक डालूंगा। कंकाल हेलीकॉप्टर के मालिक और पुलिस को वहीं पर तुरंत ही मार डालता है अपनी शक्तियों से, और वो वहीं पर रहते हैं। अरे माँ, आ गई है होली और तुम मुझे कुछ रुपए तो दे दो, मैं थोड़ा जाके बाजार से अबीर रंग गुलाले उड़ाऊंगा और इनसे अपने दोस्तों में होली खेलूंगा। तो इसीलिए माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तुम दे देती तो बहुत ही अच्छा होता। हरिया अपनी माँ से होली खेलने के लिए और रंगों को खरीदने के लिए पैसे मांगता है, और वह बड़े ही प्यार से कहता है कि मुझे होली खेलने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो उसकी माँ उसे कहती है, अरे पगला, मुझे पता है कि तुझे होली खेलने के लिए रंगों की ज़रूरत होगी और तुझे कुछ पैसे भी चाहिए, है ना? हाँ, इसीलिए मैंने तेरे जेब में पहले से ही पैसे रख दिए हैं। बेटा जा जा बाजार जा और वहाँ से जाके रंग गुलाले खरीद ले, और खरीद के अच्छे से खुशी खुशी होली को मना। और हाँ, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करना बेटा, ठीक है ना? संभल के जाना और बाजार से जल्द लौट आना। आते वक्त मेरी दवाइयाँ भी लेते आना बेटे, काफी पैर में दर्द होता है। अरे ठीक है माँ, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर डाला, तुमने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। ठीक है, मैं लौटते वक्त दवाइयाँ लेते आऊँगा। हरिया अपनी माँ से बहुत ही खुश हो जाता है और वह बाजार की तरफ जाने लगता है। उसकी माँ की तबीयत भी ज़्यादा खराब थी, इसीलिए वह होली के रंगों को खरीदने के लिए जाता है। हरिया को बाजार से आते आते शाम हो जाती है और वह जंगलों के रास्ते की तरफ से आ रहा था, तभी उसे एक तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं। जय हो बाबा जी की जय हो। अरे बाबा जी, इतनी शाम गए आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? अरे आपका पूजा पाठ हो गया बाबा जी। हरिया बाबा जी से हाल चाल करता है कि तभी बाबा जी उसे एक बहुत ही डरावनी बात बताते हैं। देखो बच्चा, जंगलों के रास्ते से बेटा तुम मत जाओ। मैं तो यही कहता हूँ कि सुनने में आया है कि कहीं किसी कंकाल ने किसी दो लोगों को मार डाला है। तो अच्छा यही होगा बेटा कि तुम कुछ समय हमारे साथ यहीं रुको और थोड़ी देर बाद हम यहाँ से चलेंगे। मेरे पास कुछ तंत्र मंत्र शक्तियाँ हैं, मैं उस कंकाल को भस्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं अकेले उसे नहीं मार सकता बेटा। मुझे और दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं यहीं पर रुका हूँ, नहीं तो मैं भी अपने कुटिया में लौट जाता बेटा। अब तुम्हारा ही सहारा है हरिया, तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ पर रहो, अगर कोई आएगा तो हम लोग साथ साथ चलेंगे। अरे अरे बाबा जी, एक कैसी बात कह रहे हो आप? क्या कंकाल आ गया है जंगल में? अरे बाबा जी, तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? अरे मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मैं उसके लिए दवा लेने के लिए गया था बाबा जी, मुझे कैसे भी करके मेरे घर तक पहुंचा दो। हे बाबा जी, मैं आपके पूजा पाठ रोज करूंगा बाबा जी, कोई उपाय बताओ, इस समस्या का कोई तो समाधान होगा ना बाबा जी आपके पास। हरिया तांत्रिक बाबा की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और वह बाबा जी से कहता है कि वह उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दें, क्योंकि उसकी माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। और हरिया डरते हुए बाबा जी से यह कहता है कि वह जल्द से जल्द कोई उपाय निकालें। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि जंगल में से एक गांव वाला भागा भागा आता है। अरे बाबा जी बचाओ, बचाओ बाबा जी, जंगल में कंकाल घुस आया है और वह दो लोगों को मार दिया है। बाबा जी, मैं फंस गया हूँ जंगल में।
क्या? अरे भाई तुमने कंकाल को देखा? अरे वो जंगल में है। अरे मैं भी फंस गया हूँ भाई तुम्हारी तरह, लेकिन डरो नहीं, अब हम लोग तीन हो चुके हैं। लेकिन बाबा जी आप ही कह रहे थे कि दो लोगों की जरूरत है, हम दोनों आ गए बाबा जी, अब तो हम उस कंकाल का सर्वनाश कर सकते हैं ना बाबा जी। हाँ बच्चा, अब हम लोग उस कंकाल को मार सकते हैं, नहीं तो बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि वह दो लोगों को मार के उसकी हड्डियाँ अपने हड्डियों में जोड़ चुका है बेटा, इसीलिए वह बहुत ही ताकतवर हो चुका है। अब हमें तीन लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, देखो वो भी पूरा हो गई, तो क्यों ना हम लोग चलें। तांत्रिक बाबा और हरिया और गांव का आदमी तीनों लोग साथ साथ एक एक कदम बढ़ाते हुए जंगल में घुसे जा रहे थे। रात को काफ़ी गहरा अंधेरा था, वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे, लेकिन वो उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वह धीरे धीरे करके आगे बढ़ते ही जा रहे थे। वह लोग चलते चलते कंकाल के पास आ जाते हैं और वह वहीं पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर कंकाल खड़ा होता है अपने हेलीकॉप्टर को लेकर, और ये लोग भी काफ़ी डरे हुए होते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है। काफ़ी देर तक सन्नाटा छाया हुआ होता है, लेकिन तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं, अरे ओ कंकाल, देख देख हम लोग तीन लोग हो चुके हैं, अब हम लोग तेरा सर्वनाश करेंगे, तू बहुत मासूमों की जान लेते फिर रहा है, देख कंकाल अब तू मेरे मंत्रों की शक्तियों से नहीं बच पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अद्भुत विद्या प्राप्त की है जो तुझे जला के यहीं राख कर देगी, राख, देखेगा मेरी शक्तियाँ तू, तूने बहुत मासूमों को मार डाला है तड़पा तड़पा के, मैं भी तुझे वैसे ही मारूंगा तड़पा के कंकाल। बाबा जी आए हैं, बाबा जी ने केला खाया, केला का छिलका वहीं गिराया और बाबा जी फिसल के गिर गए रे। क्या क्या, अरे बाबा तू मुझे पागल समझ के रखा है क्या रे? तेरे पास शक्तियाँ हैं तो मेरे पास भी शक्तियाँ हैं, क्योंकि मैंने दो लोगों को मार के उनकी हड्डियाँ अपने हड्डियों में जोड़ दी है रे। अब मैं बहुत ही शक्तिशाली हो चुका हूँ, तुम मेरे आगे नहीं टिक पाओगे, चाहे तुम लोग चार हो जाओ चाहे आठ हो जाओ। कंकाल काफी गुस्से में हो जाता है और वो बातों ही बातों में शक्तियाँ मार देता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ उन पर कुछ असर नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बाबा जी ने अपने मंत्रों का एक बहुत बड़ा कवच बना के रखा था, जिसे कंकाल की शक्तियों का कोई असर नहीं हो पाता है, और कंकाल अपनी तरफ से सारी शक्तियाँ और सारे बल लगा देता है। अरे ये क्या हो रहा है रे, मेरी शक्तियाँ तुम लोगों के ऊपर क्यों नहीं काम कर पा रही है रे? सच सच बताओ, क्या जादू किए हो दाढ़ी वाले बाबा? बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं काट डालूंगा, सच सच बता दो मुझे, वरना मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। अरे बाबा जी, अरे हम तो बच गए, उसकी शक्तियाँ का असर हमारे ऊपर तो नहीं हो पाया बाबा जी, जल्दी से जला के भस्म कर दो, नहीं तो हम लोग यहीं पर चले जाएंगे बाबा जी। अरे मैं तो कहता हूँ कि कंकाल को मौका ही मत दो, अब बाबा जी आप अपने मंत्रों का उपचारण करो और इसे जला के भस्म कर दो बाबा जी। कंकाल अब देख मेरे मंत्रों की शक्तियाँ कैसे, मैं तुझे यहीं पर जला के भस्म करता हूँ, तूने अपना जादू दिखाया, अब मैं अपना जादू दिखाऊंगा कंकाल, हो सके तो मुझसे बच के दिखा कंकाल, दोनों लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं जो जो मंत्र कहूंगा उन्हें तुम मेरे साथ साथ दोहराना, और हाँ साथ ही साथ दोहराना, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे, हमारे मंत्रों का कंकाल के ऊपर कुछ असर नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं जैसे जैसे मंत्र कहता हूँ
मेरे साथ साथ वैसे वैसे मंत्र तुम लोग भी पढ़ना बेटा। हम इस कंकाल को जला के भस्म कर सकते हैं बेटा, तो चलो। कजरा रे तेरे काले काले नैना, जल जा रे कंकाल तू है पगला। कजरा रे तेरे काले काले नैना। बच्चों मेरे साथ कहो, कजरा रे तेरे काले काले नैना, जल जा रे कंकाल तू है पगला। कजरा रे तेरे काले काले नैना, जल जा रे कंकाल। तांत्रिक बाबा अपने कजरा वाले मंत्र को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं और वह सबको साथ साथ पढ़वाते हैं। तभी उसकी शक्तियाँ खत्म होने लगती हैं और कंकाल काफ़ी तड़पने लगता है। कंकाल को कुछ कुछ होने लगता है और कंकाल कहता है, अरे बाबा जी, एक कजरा वाला मंत्र क्या है रे? अरे मुझे बचाओ, अरे मेरी हड्डियाँ क्यों टूट रही है? बाबा जी मुझे छोड़ दो, मुझे उल्टा मत लटकाओ। अरे मुझे दर्द हो रहा है बाबा जी, मैं जा रहा हूँ, अरे मैं मर जाऊंगा। बाबा की शक्तियों का काफ़ी ज़्यादा असर होने लगता है और कंकाल बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो जाता है और वह जल्द ही समाप्त होने वाला होता है। कुछ ही देर में कंकाल वहाँ से गायब हो जाता है। अरे जय हो दोस्त, देखा हमारा कजरा वाला मंत्र कैसे काम किया और कंकाल गायब हो गया। दोस्तों आप लोग तो नहीं ना गायब हुए हो, तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो लाइक करके तभी जाना, और हाँ हमें पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती है दोस्तों जो आपको हंसाएंगी। तो भैया दबा के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भूलना मत।